ये पी छोड़कर गए थे इस उम्मीद में कि उस गठबंधन में जाएंगे तो कुछ मिलेगा, न इधर के रहे न उधर के रहे। जनता दल यू का विलय राष्ट्रीय जनता दल के साथ होने वाला है, विश्वास सूत्र से लोगों ने मुझे बताया। आज कल कुछ अंड बंड बोलता है, कुछ को कुछ लाभ मिले। एक ओर 2024 के चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी की कोशिशें तेज हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के दलों में अलग ही खींचतान चल रही है। सबसे ज्यादा संग्राम बिहार की सियासत में है, जहां बार बार बीजेपी की ओर से जेडीयू के आरजेडी में विलय का दावा हो रहा है और इन दावों के बीच सियासी वार पलटवार का दौर चल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं कि बिहार में जनता दल यू का विलय राष्ट्रीय जनता दल के साथ होने वाला है, विश्वास सूत्र से लोगों ने मुझे बताया। ये जब हो जाएगा तो फिर मुख्यमंत्री का पद पर कौन बैठेगा और माननीय मुख्यमंत्री किस जिम्मेदारी को संभालेंगे वो तो वो लोग बताएंगे। कौन क्या बोलता है हम ध्यान नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि आज कल कुछ अंड बंड बोलता है कि उसको कुछ लाभ मिले, लेकिन छोड़िए ना, किसी को लाभ मिलने वाला है? हमारा पटिया में कोई इधर उधर है, हमारे पार्टी में सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं। नीतीश की पार्टी को लेकर बीजेपी नेता पहले भी ऐसे दावे करते रहे, लेकिन इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद ये हमले बढ़ गए, क्योंकि बैठक के बाद ये चर्चा उठी कि ममता बनर्जी की ओर से पीएम चेहरे के लिए खड़गे का नाम प्रस्तावित करने से नीतीश नाराज है। इसी नाराजगी को दूर करने के लिए राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से फोन पर बात की और नाराजगी की इन्हीं खबरों के बीच बीजेपी का हमला तेज हो गया। बीजेपी इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर लगातार हमले कर रही है, जबकि नीतीश कह रहे हैं उनकी कोई चाहत नहीं। अरे आपको हम बता दे, हमारी इच्छा नहीं थी, ये सब बात हो, तुमने कहा कि नहीं नहीं हमको नहीं इच्छा है, हम तो चाहते हैं सब लोग एकजुट होइए। अभी हाल में हमने चीजें कह दी हैं कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए, एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए, भाई सब ये कर लीजिएगा तो फिर सब लोग तय हो जाएगा, तो फिर लड़ेगा। ऑल इज वेल है तो इतना उठा पटक क्यों है? ये कोई नई बात नहीं है, बहुत दिन से चला है। बिहार और देश नरेंद्र मोदी को चाहता है, फिर बनाएंगे प्रधानमंत्री और बड़े बहुमत से बनाएंगे। और नीतीश जी, आपको और आपके मित्रों को एक ही बात कहूंगा, नो वैकेंसीज देयर फॉर द पोस्ट ऑफ नीतीश। बीजेपी हमलावर नीतीश जवाब दे रहे हैं और जानकार 29 दिसंबर को होने वाली जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बिहार की सियासी फिजाओं में एक चर्चा ललन सिंह को लेकर भी तैर रही है। कहा जा रहा है कि लालू यादव से ललन सिंह की नजदीकी को लेकर नीतीश कुमार खुश नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में नीतीश कुमार ललन सिंह को जेडीयू अध्यक्ष पद से हटा सकते हैं और 2024 के चुनाव से पहले खुद पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। अगर नीतीश कुमार की ओर से बैठक में ऐसा कोई फैसला लिया जाता है तो बीजेपी के दावों को और बल मिलेगा। जाहिर है इससे इंडिया गठबंधन के सामने संकट बढ़ेगा, क्योंकि विपक्षी एकता की कोशिशों के सामने केवल एक रोड़ा नहीं है, यूपी में अब बीएसपी को लेकर भी बयानबाजी शुरू हो गई। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने बयान दिया है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर फैसला मायावती को ही करना है। हालांकि समस्या ये है कि अगर मायावती विपक्षी दलों के साथ आती है तो समाजवादी पार्टी का दूर होना तय माना जा रहा है। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में सीट बंटवारे के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन तय की गई। अभी उस राह पर गठबंधन बढ़ता नहीं दिख रहा है और हर दिन आपस में ही कोई नया संग्राम छिड़ रहा है। आज तक ब्यूरो।